ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 6/7/2018 से दिनांक 13/7/2018 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेख राशि से। इस हफ्ते में तनाव की अधिकता रहेगी, अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, व्यर्थ के विवादों से बचें, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की दूसरी राशि अर्थात वृक्ष राशि, चली आ रही समस्या का अंत होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, खर्च पर नियंत्रण रखें, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में चला आ रहा ठहराव समाप्त होने वाला है, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि, विरोधी सक्रिय रहेंगे, हनुमान जी की साधना करें, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि, पड़ोसी या अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रगति का कोई नया द्वार खुलने वाला है। बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि की। मौसमी रोग हो सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है, यात्रा का संयोग बन रहा है, यात्रा धन लाभ का कारण बन सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, कार्य स्थल या सहकर्मियों के कारण आपको तनाव मिल सकता है, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनराशि, संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, विरोधी सक्रिय रहेंगे, हनुमान जी की शरण में जाएं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह मन उत्साहित रहेगा, कुछ सफलताएं मिलने वाली हैं, किसी बात पर उत्तेजित न हो, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि, चली आ रही परेशानियों का अंत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन सोच समझ कर खर्च करें, अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। राशि चक्र की अंतिम और बारहवीं राशि, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, विरोधियों के परास्त होने के संकेत है, स्वयं पर नियंत्रण रखें, अतिरेक से बचें, हनुमान मंदिर में परिवार सहित जाकर दर्शन करें। यह थी राशि चक्र की अंतिम राशि अर्थात मीन राशि। मित्रों, अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे अगले सप्ताह का भविष्य फल लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।